हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं एक स्नैक्स रेसिपी, प्याज का पकौड़ा। आज मैं प्याज का पकौड़ा थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और कुरकुरी बनने वाली है, क्रिस्पी पकौड़ा। तो इसे आप स्नैक्स के तौर पे आप ले सकते हैं, या फिर जब आपका खाने का मन हो या फिर कोई गेस्ट आए आपके घर में तो आप इसे बना सकते हैं। तो अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे प्याज के पकोड़े की, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज ये प्याज का पकोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पकोड़ा बनाने के लिए लिया है, ये मैंने यहाँ पे बेसन नहीं लिया है, बेसन की जगह पर मैं चना दाल ले रही हूँ, जिसे मैंने 2 घंटे तक सोख कर लिया है। ये मैंने 1 कप चना दाल लिया है, तो इसे मैंने 1 घंटे के लिए सोख करके रखा था। ये देखिए अच्छे से फूल गई है, ये अच्छे से मैंने धो के इसे रख लिया है। उसके साथ मैंने 2 बड़े साइज का प्याज कट कर लिया है, ये देखिए मैंने लंबे लंबे ऐसे स्लाइस कर लिया है, थोड़ा मोटा मोटा। और इसे हमें पीसना है, उसके साथ पीसने के लिए हमें थोड़ा मैंने 8 से 10 लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 ग्रीन चिली लिया है। उसके साथ मैंने ये थोड़ा धनिया का पत्ता लिया है, नमक लिया है टेस्ट के हिसाब से, और यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर लिया है। तो चलिए फिर हम ये जो दाल मैंने लिया है उसे हम अच्छे से पीस लेते हैं। इसका जो चना दाल का पकौड़ा है वो बेसन से थोड़ा अच्छा ही बहुत ही अच्छा लगता है, आप एक बार ज़रूर बना के देखिए, इससे पकौड़ा थोड़ा क्रिस्पी बनता है और टेस्ट एकदम अलग लगता है बेसन से। तो इसमें हम ये जो अदरक लहसुन और मिर्ची है हम इसे डाल देते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पकौड़े का। और इसके साथ हमने ये कोरिएंडर लीव्स, जो धनिया का पत्ती लिया है उसे हम डाल देते हैं। आप यहाँ पे धनिया का पत्ती कट करके भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पीस दे रही हूँ इसके साथ। तो यहाँ पे हम थोड़ा पानी डाल के इसे ग्राइंड करते हैं। तो चलिए फिर हम इसे पीस लेते हैं। देखिए पीसने के बाद इस तरह से ये पेस्ट बनता है, देखिए मैंने ज़्यादा पानी यूज नहीं किया है, इस तरह से ये एकदम टाइट इसका ये पेस्ट बनता है चना दाल का। तो हम इसे, इसका स्मेल बहुत ही अच्छा आ रहा है, अदरक लहसुन का, धनिया की पत्ती का स्मेल। तो ये देखिए हमारा दाल अच्छे से पीस गया है, तो अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो इसके साथ हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालते हैं, 1/2 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर डालते हैं। आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ, और मैं ये जो प्याज है हम इसे डाल देते हैं अच्छे से। ये प्याज यहाँ पर हम थोड़ा मोटा ले रहे हैं, क्योंकि पतला प्याज स्लाइस करने पर वो पकौड़ा बनने के बाद सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और अंदर से अच्छे से प्याज का जो टेस्ट है वो पता नहीं चलता है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा मोटा प्याज ले स्लाइस करें, तो उससे पकौड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा, थोड़ा मीठा मीठा लगता है जो प्याज अंदर रहता है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स, आप चाहे तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने आपको नहीं दिखाया था, मैं यहाँ पे थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालती हूँ, क्योंकि इससे पकोड़े का जो क्रंच है, क्रिस्पी है, बहुत अच्छा बनता है, इसलिए मैं यहाँ पे फुल 1 टेबलस्पून पकोड़े में कॉर्नफ्लोर डालती हूँ। देखिए मैंने, सॉरी मैंने 2 चम्मच डाला है। इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं, इससे पकोड़े का जो क्रंच है बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सोडा भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे सोडे का यूज नहीं कर रही हूँ,
क्योंकि सोडा डालने से पकौड़े में तेल ज़्यादा सोक करता है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे सोडे का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए तेल डाल के रख दिया है, मैंने रिफाइंड ऑयल यूज किया है। तो तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें एक एक करके पकौड़ा डालते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा बड़े साइज़ का पकौड़ा बना रही हूँ, आप चाहे तो छोटा बना सकते हैं। तो ये मैं मीडियम साइज़ के पकौड़े डाल रही हूँ, इसमें जितना स्पेस हो उतना हम डाल देते हैं इसमें पकौड़े तलने के लिए। ये देखिए हमने इतना सारा डाल दिया है, इसे हमें ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, नहीं तो नीचे से जलने लगेगा। तो इसे हम टर्न कर लेते हैं एक एक करके। ये देखिए एक साइड हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम एक एक साइड ऐसे ही टर्न करते हुए अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेते हैं। और मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है ताकि अंदर से प्याज जो है वो भी अच्छे से कुक हो जाए, कच्चे ना रहें। तो ये देखिए हमारा पकौड़ा भी फ्राई होके रेडी हो गया है। हम इसे एक प्लेट में टिश्यू पेपर पे हम निकाल लेते हैं ताकि जो इसका एक्सेस ऑयल है वो सोख ले टिश्यू पेपर। हम इसे निकाल लेते हैं अच्छे से। ये जो चने के दाल का जो पकौड़ा होता है वो ज़्यादा तेल ऑब्जॉर्ब नहीं करता है बेसन की अपेक्षा, बेसन ज़्यादा तेल सोख लेता है। देखिए मैं अब थोड़ा छोटे साइज़ का बना रही हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। शाम के टाइम पे आप स्नैक्स के तौर पे इसे खा सकते हैं, या फिर कोई गेस्ट आए तो आप इसे ज़रूर बनाइए, बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। तो ये भी हमारा पकौड़ा बनके तैयार हो गया है, हम इसे भी निकाल लेते हैं। देखिए हम ऐसे ही करके सारे पकौड़े निकाल लेते हैं और हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने पकौड़ा बना लिया है, आप इसे ग्रीन चटनी या फिर रेड सॉस के साथ खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है पकौड़ा किसी भी चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कैसा लगा। उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी प्याज के पकौड़े की आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।